आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में गिरावट होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 4,645 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इलाज के दौरान 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में गिरावट हो गई है और 24 घंटे में आपको बता दें 4,645 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 19 मरीजों ने दम तोड़ा। 6 ओमिक्रोन के भी नए मरीज मिले हैं, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,000 के पार हो गई है। शिवम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, 6 ओमिक्रोन मरीजों की जो पुष्टि हुई है, उसके बाद कितने लोगों की यहां पर जांच की जाएगी, कितने लोगों की ये संपर्क में आए हैं, क्या इसकी कोई लिस्ट तैयार की गई है अब तक? बिल्कुल अंजलि, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक के बाद अब जो है लगातार ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीजों की भी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में अगर बात करें तो कल 6 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें 1 नाबालिग बच्चे हैं और 5 पुरुष उसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि इनका सैंपल जो है करीब 7 जनवरी को भेजा गया था भुवनेश्वर और वहाँ पे जो मीन नॉन सिक्वेंसी लैब में इनकी टेस्ट हुई और उसके बाद इनकी रिपोर्ट कल आई है। हालांकि रिपोर्ट आते तक वे जो है संक्रमण की जद से निकल चुके थे और होम आइसोलेशन पे ही रहते हुए सभी मरीज ठीक हो चुके हैं, किसी की भी जान नहीं गई है। लेकिन अगर हम सैंपल्स की ही बात करें तो प्रदेश भर में अब तक 4200 से अधिक सैंपल जो है वो भुवनेश्वर भेजे जा चुके हैं ओमिक्रॉन के, जिसमें से करीब करीब 500 से अधिक सैंपल जो है वो अभी पेंडिंग है। तो चिंताजनक स्थिति जरूर है स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि आने वाले समय पर जो पेंडिंग सैंपल्स हैं उसमें क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, क्या संक्रमित मरीज पाए जाते हैं या फिर वे निगेटिव रहेंगे, ये देखना जरूर होगा। बिल्कुल, लेकिन शिवम, जिस तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस एक तरफ तो फिलहाल कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मरीजों की संख्या भी 27,000 के पार हो गई है। शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेते हैं आपसे खबरों में।